Hey everyone, your biology teacher there, and today I'm going to talk about the microbes in the production of biogas. Okay, this is the second last topic of this chapter. You all were aware that we are dealing the chapter microbes in human welfare. Okay, and now you are aware that hum human welfare ke liye in microbes ka use kaise karte aa rahe hain, whether it is related to the industrial product or household product or even a sea waste treatment, right? So next we have the माइक्रोब्स जिनका यूज़ हम बायोगैस अ वेरी नेचुरल और वेरी यूजफुल गैस के प्रोडक्शन में कर रहे हैं, राइट? तो आज टॉपिक इज माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. क्लियर? हियर इन दिस पिक्चर यू कैन से दैट द बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट, अ बायोगैस प्लांट जहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है. ओके, तो लेट्स मूव फर्दर to talk about biogas and its production in detail, right? So class, firstly you know that what is biogas. Okay, अभी आप लोग पढ़ चुके हो सी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट. आपने देखा होगा एक्टिवेटेड स्लज जो होता है उसको एनारोबिकली वेन हम डाइजेस्ट कराते हैं तो जो भी बैक्टीरिया और फिलामेंट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो रिमेनिंग वन होता है उसको हम एज अ बायोगैस ट्रीट कर बायोगैस यूज़ करते हैं. ओके, पढ़े हो अभी बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है. तो वही मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या मुझे बता सकते हो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ बायोगैस. ओके, यस, बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, अ काइंड ऑफ मीथेन CH4, अ काइंड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड काइंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. ओके, तभी तो बोला बायोगैस इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, दीज गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटीज दैट कैन यूज एज अ फ्यूल. ओके, ऑल दीज गैसेस आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ सम माइक्रोब्स एंड दीज माइक्रोब्स आर नोन एज अ मीथेनोजेंस. ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीथेनोजेंस. ओके, व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड मीथेनोजम और द मीथेनो बैक्टीरियम. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग. हियर क्लास, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द स्लाइड ऑन विच यू हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोगैस. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट कि बायोगैस इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ मीथेन which is produced by the microbes such as methanogen. Now question is that ma'am, what is the methanogens? Okay, methanogens, actually when we produce the biogas, so we use the bacteria. Okay, bacteria like that. Okay, these bacteria actually grow, और ऐसे bacteria को हम use करते हैं which has the ability to grow anaerobically. Anaerobically meaning a bacteria those do not require the oxygen. ओके, वो लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन में भी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता हो. ओके, एंड दीज एनारोबिकली दीज बैक्टीरिया दोज ग्रो इन एनारोबिकली आर ऑन अ सेल्यूलोजिक मटेरियल विच प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन. ओके, एंड व्हेन दे प्रोड्यूस अ मीथेन तो दे आर कॉल्ड मीथेनोजेंस. ओके, दैट इज आई एम सेइंग कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस वी यूज द मीथेनो बैक्टीरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मीथेनोजेंस, राइट? तो हियर यू कैन सी दैट मीथेनोजन ग्रो एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटीरियल एंड प्रोड्यूस द मीथेन अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, दिस इज द बैक्टीरिया विच हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ मीथेन एंड द अदर साइड प्रोडक्ट नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड. दैट इज ये दे प्रोड्यूस द मीथेन, दैट इज वाई इट इज नोन एज दे आर कॉल्ड एज मीथेनो बैक्टीरियम फाउंड इन द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर एंड द र्यूमन ऑफ कैटल. र्यूमन ऑफ कैटल क्या होता है? जनरली जो हमारी कैटल्स होती है ना, जो काउ वगैरह होती है, जो स्टमक पोर्शन होता है, जो पोर्शन जहाँ पे वो डाइजेशन करती हैं उसको र्यूमन ऑफ कैटल कहा जाता है. एंड विच है एंड दी काउडंग और द सीवेज, राइट? सीवेज आई हैव ऑलरेडी मेंशन एनारोबिक स्लज में प्रेजेंट होता है. ओके, दीज ऑल हेल्प
इन द सेल्यूलोजिक डाइजेशन. ओके, किस में हेल्प करते हैं? सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं. कैटल डंग, अगर जिसको आप गोबर कहते हो, यहाँ पे लिखा मैंने मेंशन भी करा है, कैटल डंग अ गोबर कंटेन दीज बैक्टीरिया. सो डंग इज यूज एज अ जनरेशन ऑफ बायोगैस. गोबर गैस भी कहा जाता है, बायोगैस को क्या कहा जाता है? गोबर गैस, राइट? Why? Because it is generally generated from the cow dung. Okay? Because cow जो cattle dung होता है ना, उसमें इसका amount ज़्यादा होता है. That is why we call this biogas as a gober gas. Right? Okay. Here this is a picture of their microorganisms, their microbes जिनका use हम करते हैं, especially the methanogens. Okay? Next we have a plant by which we can treat the biogas. Okay? So class, this is the biogas plant which is actually treat the excreta of cattle on which the methanogens bacteria are present, and we use this bacteria to generate the biogas, जिसको आप गोबर गैस कह रहे हो, right? तो this biogas plant having a concrete tank and the outlet A and outlet B. राइट, तो फर्स्टली तो व्हाट इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ दिस कंक्रीट टैंक एंड दिस आउटलेट. ओके, बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड. हियर यू कैन सी दैट दिस इज द टैंक वेयर द वेस्ट ऑफ डंग एंड वाटर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड. ओके, व्हेन दे फेड तो इट्स फ्लोटिंग कवर. Here this having a floating cover, okay, is placed over the digester that move upward when gas is produced. Okay, this floating cover is moved into this chamber. The chamber are the collecting chamber where the carbon dioxide and methane gases of mixture is collected. Okay, और ये क्या, ये क्या होता है, वहाँ पर जाके collect होना start कर देती है. Okay, the gas produced is removed and supplied to the outlet pipe for the consumption. Here this is the outlet pipe. Okay, which to help outlet pipe by which we can supply the biogas. Okay, and the another outlet on which the spent slurry. Okay, on which the जो physical part होता है इस gas का, इस digester के बाद जो जो physical part बचता है उसको as activated sludge हम use करते हैं as a fertilizer. ओके, उसको अनदर आउटलेट से, बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है. राइट, वी कैन से दैट द स्लर इज रिमूव थ्रू द अनदर आउटलेट एंड यूज एज अ फर्टिलाइजर. ओके, वन मोर थिंग कि हियर इन दिस पिक्चर यू कैन से दैट दिस इज द सेकेंड आउटलेट और दिस इज द फर्स्ट आउटलेट. ओके, और दिस इज द एक्चुअल इमेज ऑफ द टैंक, एक्चुअल इमेज ऑफ द बायोगैस प्लांट विच इज एक्चुअली बिल्ड इन अ रूरल एरियाज. ऐसे एरिया जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैटल डग अवेलेबल हो जाए इजीली, ऐसे जगहों पे हम बायोगैस प्लांट को प्लांट कर सकते हैं. राइट, इफ वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ बायोगैस तो यू कैन से दैट वी कैन यू कैन से दैट कि बायोगैस वी यूज ऑन अ कुकिंग एंड द लाइटनिंग. ओके, लाइटिंग के लिए भी यूज करते हैं और कुकिंग के लिए भी वी यूज द बायोगैस. राइट, दिस टेक्नोलॉजी क्लास द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज एक्चुअली डेवलप इन इंडिया, मेनली इंडिया में बताई गई थी. हमारे गांव वाले पहले से इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे लेकिन उनको इसको नेम करना नहीं आया था. राइट, बिकॉज अपनी इंडिया ना रूरल बेस्ड कंट्री है, ऐसी जहाँ पे गांव ज़्यादा हैं, सब नेचुरल थिंग्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं. ठीक है, और मानते भी हैं नेचुरल थिंग्स नेचुरली होती हैं, सबको नेचुरल थिंग्स ही पसंद होती हैं. सेम यही हुआ कि इंडिया में ही इसको डेवलप किया गया था और इट इज़ डेवलप्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI. ओके, हियर यू कैन सी दैट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC. राइट, दीज टू आर द इंस्टीट्यूट विद डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया. राइट, दीज टू आर द वेरी फेमस इंस्टीट्यूशन. ओके, IARI के बारे में तो आप लोगों को अभी भी पता है, यहाँ पे काफ़ी रिसर्च प्रोग्राम चलते रहते हैं, दिल्ली में ये सिचुएटेड है. ओके, और KVIC इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन अ दिल्ली एरिया. राइट, तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन की हेल्प से ही इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन टेक्निक को डेवलप किया गया था. ओके, तो दिस इज द थिंग जो कि आपके बायोगैस प्लांट और बायोगैस से रिलेट करते हैं.
ओके okay, अगर मैं एडवेंटेज वही मैं बोलूँ एडवेंटेज की बायोगैस की, तो यस यू कैन से दैट कि दस बायोगैस हैविंग अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. ओके ये जो बायोगैस होती है इसकी क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है. ओके इट इज़ वेरी क्लीन फ्यूल, दोज डू नॉट प्रोड्यूस एनी रेसिड्यू, एनी टॉक्सिक रेसिड्यू प्रोड्यूस नहीं करता ये बायोगैस. इसके रहता अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूँ तो यस इकोनॉमी में ये हमारी सपोर्ट करता है बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी यूज मशीनरीज और यूज टेक्निक्स. ओके अनदर थिंग कि यस लो स्मोक प्रोडक्शन, लो नो पॉल्यूशन होता है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा होता, हम तो गोबर का ही तो यूज़ कर रहे हैं भाई हम. ओके बट यस यू कैन के से दैट कि लो कुछ तो पॉल्यूशन हो रहा होगा हमारा, इस गोबर को जला रहे हैं हम, डाइजेस्ट करा रहे हैं, राइट. तो फुली एडवेंटिशियस तो नहीं है लेकिन यस इट इज़ एडवेंटिशियस, राइट. नेक्स्ट वन इज कि यस इट इज़ ईजिली अवेलेबल, अवेलेबल है ना, गाँव में हर जगह देखने को मिलता गोबर ही गोबर गोबर रहता है. ओके आई एम जस्ट जोकिंग, रहता है ना, ऐसा नहीं है कि गाँव में रहता है, सब जगह है, बस यही कि हमें उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए, राइट. और रेडिली बर्न भी हो जाता है गोबर. ओके तो दीज ऑल आर दी पॉइंट्स रिलेटेड टू द यूजेस एंड एडवांटेज ऑफ अ बायो गैस. क्लियर, होप नाउ यू आर क्लियर कि वट इज़ द बायोगैस एंड हाउ कैन वी प्रोड्यूस द बायोगैस विद द हेल्प ऑफ मीथेनोजेंस एंड दी गोबर. ओके इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. क्लियर, टिल देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो, प्रिपेयर योर नोट्स, प्रिपेयर योर माइंड मैप एंड यस ऑफकोर्स स्टे हेल्दी. थैंक यू.